वो कम लोग रिसीट है, मैं उस पर टीडीएस वगैरह जो काटना है मैं काटता हूँ। उसके अलावा मेरा सेविंग्स अकाउंट अलग से जो मैं बिजनेस घर के लिए यूज करता हूँ, और मेरे घर पे मैं रिनोवेशन करा, मेरा घर इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर माय रेसिडेंस पर्पस, पर्सनल यूज, नथिंग टू डू विद माय प्रोफेशन। तो मेरा 1.5 करोड़ का लेबर चार्जेस है जहाँ पे मुझे कॉन्ट्रेक्टर को देना, तो उस पर टीडीएस आएगा कि नहीं आएगा? तो सेक्शन सबसेक्शन 4 ऑफ दैट 194C इज वेरी क्लियर कि आप पर्सनल के लिए करते हो, भले आप बिजनेस में आपको टीडीएस लागू होता है, लेकिन पर्सनल के लिए आप यूज करते हो उस पर टीडीएस लागू नहीं होता है। तो इसमें इतना ही था कि ये लिखने की जरूरत नहीं था, पर्सनल है एंड इफ ही इज लायबल फॉर टीडीएस, नॉट लायबल फॉर टीडीएस, नॉट इक्वल ना चाहिए था, एंड इफ ही इज लायबल फॉर टैक्स ऑफ इट देन देयर इज नो टीडीएस स्टिल। ओके, my Prabhu Associates account is under audit, and whatever, so when I am filing the returns, Prabhu Associates and Vishwanathan ko jo bhi savings accounts hai combine karke return file hota hai. Okay, so Vikram says you are not different from your individual, matlab Prabhu Associates in this example is not different from Vishwanathan, it is one and the same, because return file hota hai Prabhu Associates ka nahi ho raha, it is Vishwanathan, because Vishwanathan is proprietor of this thing. However, you can't always use logic. The section says if it is for personal use, no TDS. So I have to logic apply karu usme ki Vishwanathan is not separate from Prabhu Associates. Section is very clear, since you are using for personal use, then it has to be no TDS should be there. Now whether it is personal use or not, the department can decide ki tumne paisa tumhara paisa data ko aaya na se wo dikhao. Main bataunga, maine mera Prabhu Associates ka account se transfer kiya, wo mera drawings hai aur uspe se maine kharcha kiya. इसमें इशू आपका डिसअलाउंस का नहीं हो सकता। सपोज उसमें क्योंकि मैं एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर रहा हूं, देन इज पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस में नहीं आता। देयर आर टू एलिमेंट्स टू दिस, वन इज अबाउट डिसअलाउंस कि मैं टीडीएस काटना था नहीं काटा तो एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब मैं एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकता, बट इन दिस एग्जांपल वो एक्सपेंस है ही नहीं। सेकंड इशू आ सकता है अबाउट नॉन कंप्लायंस ऑफ टीडीएस, टीडीएस नहीं काटने के वजह से पेनल्टी का मुद्दा आ सकता है, वो आ सकता है। तो क्योंकि 194C का सबसेक्शन 4 इज वेरी क्लियर, तो आई थिंक लेट अस नॉट अप्लाई लॉजिक टू इट, इट इज वेरी क्लियर पर्सनल एक्सपेंडिचर नहीं है। सेम कंटिन्यूएशन इज, मेरा डाउट है कि मेरा आई हैव स्पेंड, मेरा ऑफिस बिल्डिंग है, बिजनेस का बिल्डिंग है, और उसमें मैंने एक्सपेंस खर्चा किया, इट इज टुवर्ड्स व्हाट यू कॉल एंड्यूरिंग नेचर, सो आई एम कैपिटलाइजिंग दैट एसेट, सो वो एक्सपेंडिचर का क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो डिसअलाउ होगा, क्या होगा? वैल्यू ऑफ द एसेट, ओके? तो वो अगर मैं टीडीएस नहीं काटता
तो ये डिसअलाउंस होएगा क्या? डिसअलाउंस होएगा तो कैसा होएगा? अंडर दिस सेक्शन आई एम नॉट, यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? आई एम क्लियर द क्वेश्चन? सवाल सबको समझ में आ रहा है? मेरा पास एसेट खड़ा है मेरा बैलेंस शीट में, मैंने रेमिशन का 1.5 लाख का टीडीएस काटना था, बिजनेस मेरा एक्सपेंडिचर है, मैंने नहीं काटा टीडीएस, नहीं काटा और मैं एक्सपेंडिचर को मैं कैपिटलाइज करता हूं बिकॉज़ इट इज एडिंग वैल्यू टू माय कैपिटलाइजेशन प्रोविजन के हिसाब से मैं इसको कैपिटलाइज कर रहा हूं। आई एम एडिंग दिस 1.5 लाख रुपए टू द कॉस्ट ऑफ माय एसेट व्हिच इज इन माय बैलेंस शीट। सो वेदर इट इज अ डिसअलाउंस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, इफ नो व्हाई, इफ यस देन व्हाई? डिसअलाउंस का मुद्दा आएगा अगर मैंने उसको एक्सपेंडिचर करके अलाउ किया रहेगा तो इधर में डिसअलाउंस का तो मतलब क्या मैं बच गया? तो क्या सजा गया? अभी तो सजा गया, बस बात नहीं बहुत ठीक है, तुम किसी भी तुम्हारा सीए के साथ कुछ नहीं, लेकिन सजा क्या है? एसएससी मेरे को सजा क्या? मेरा सवाल का इनका बोलना है डिसअलाउंस नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? लॉजिकल इट इज, क्योंकि मैंने खर्चे में नहीं दिखाया उसको, मैंने अलाउड, आई एम टेकिंग दैट एज एन एक्सपेंडिचर माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तभी मेरे को डिसअलाउंस होएगा ना कि मैं तुम खर्चा नहीं ले सकते। मैंने खर्चा लिया ही नहीं, मैंने तो एसेट में ऐड किया उसको, मेरा बैलेंस शीट आइटम। टेक्निकल थोड़ा तुम लोगों को शायद नहीं समझ में आया, आई डोंट नो, समझ में आया कि नहीं आया, लिटिल बिट आई डोंट नो कमल। बट इसमें दूसरा प्रोविजन आएगा फॉर डिफॉल्ट इन, एनीवे वी रनिंग आउट ऑफ टाइम, फॉर डिफॉल्ट इन नॉट टीडीएस नहीं डिडक्ट करने का जो भी उसका पीनल प्रोविजन है वो उसका नहीं होगा। क्या चाय बच्चे आती है उसको बाइक पर बोली।